राम राम भाई सर भाई नमस्ते भाई लोग सर फिलहाल तेरा स्वागत हरियाणा भाई तेरा सबका प्यारा सब तेरा में फिलहाल कोच साहब जो लगातार लगभग महीना होने हो रहा है कूड़े बैठे हैं आरोप भी लाग जाए इनके ऊपर कोई आग लाई भी बोल जाए और मेरे दूसरी तरफ एक तो रणबीर सिंह ढाका जी है कोच साहब है और दूसरी तरफ पहलवान जी है खटखट टोलते इन तभी बात करांगे लेकिन पहलवान जी से बात कर लिया कोच साहब राम 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 भाई आज के फैसला होया है और कितने संतुष्ट हो क्योंकि संघर्ष आप लोग और आपके जो बच्चे हैं वे भी कर रहे हैं। देखो हमारे बुजुर्ग थे सम्माननीय खाप थी पंचायत थी और सभी तपों के आदमी थे उन्होंने बैठ के जो फैसला लिया वो सर्वमान्य है और सबसे बड़ी बात तो ये बता दूं मैं नार्को टेस्ट होती है आप ही पता लग जाएगा भाई इसका नार्को करवा दो जरूरत को नहीं कहेंगी कि रोड़ा है। दूसरी भाई महिला करेंगी जंतर मंतर वहाँ से परसों 23 तारीख ना बहुत बड़ा प्रदर्शन है इंडिया गेट पे और उसके बाद 5 बजे शाम ने 5 बजे हाँ और उसके बाद भाई 28 को नई संसद बनी है हमारी महिला भी देख आऊंगी उसने महिला भी देख आऊंगी देश की एक धरोहर बनने बिल्कुल भाई देश के जो एक पर ले बिस्कुट ले उसमें भी टैक्स दे हाँ उस तक ही तेना की ते जागा उस संसद के थमोड़े खड़े हुए हैं तो महिला उद्घाटन करेंगे उड़े नहीं उद्घाटन तो प्रधानमंत्री करेगा पर अपना देखने तो जा सके भाई तो सारी महिला देख के आऊंगी और समर्थन करें पहलवाना का सभी का बिल्कुल देखो अपने बड़का का समर्थन तो बिल्कुल करे हैं पहलवान जी राम 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 भाई आप भी पहलवान रहे हो जो बड़का के लोड़ लग रहा है जो बड़का के लोड़ लग रहा था बड़का के लिया दोबारा जिक्र जो है बेटी ने खंदा दिया यही तो इस सरकार की चाल है जो हमारे देश की बेटियां के जान लागी बेटे तो जाते थे बेटियां भी जान लागी इन बेटियां ने भी वो कर दो पजल कर दो ताकि खाड़िया में कहीं यूनिवर्सिटिया में जा ना सके ये सरकार ने बेटी इंटरजेट नहीं होते पहलवान जी जो मतलब आंख मूंद तय किते पाओ है वे चलाओ है छोरी ये उनने आकर बटन करो छोरिया ने तो देश संभाल लिया सेना में भी बीएसएफ में भी सीआरपी में भी नेवी में भी लेकिन ये देश के छोरी बेटियां कहीं लाग नहीं भाई या सरकार बगैर बेटियां की है और डाल की सरकार है इस सरकार ने या तो सरकार दोबारा आगे तो दोबारा देश मिट्टी में फेर जाएगा आज का फैसला क्यों है प्रधान जी मीटिंग में क्योंकि आप भी मौजूद थे आप 11 मेंबरी कमेटी में क्या फैसला हुआ है कितना ठीक लग गया 23 तारीख को देखिए हमने मीटिंग में सलाह दी थी सरकार चाहती है हिंसा का आंदोलन हमने सलाह दी भाई हिंसा का आंदोलन नहीं करांगे सरकार जो चाहो हम नहीं करांगे वो खून तो बतेरा खोल रहा है जब बाण बेटी पे बात आ ली खून तो बतेरा 750 खो बैठे हमें ये चाहती भेंट यह चाहती है खून मर्डर लेकिन हमारी खापों की ये परंपरा नहीं हमारी खापों है शांति से चलना शांति से काम करना सभी की बात सुनना और शांति से काम करें 23 तारीख को कैंडल मार्च निकलेगा जो इंडिया गेट पर और पूरे देश ही महिला काटेंगे 28 तारीख का हमारा समझ में नहीं आया मामला के है 28 का नई संसद भवन बनाई है और उसका उद्घाटन करेगा प्रधानमंत्री पूरी पूरा भारत की महिला नई संसद भवन पर बड़ी पंचायत करेंगी कदे उड़े पहुंचना ना दें किसान आंदोलन वाली करे महिला के पीछे पूरा देश खड़ा है पहुंचने क्यों नहीं दें अगर जे महिला के गोली मारेंगे तो मारन दो फिर हम देख लेंगे महिला ये जो आंदोलन है हमने खिलाड़ियों पर महिला को छोड़ दिया बिल्कुल बहुत बढ़िया डिसीजन है भाई महिला की साथ छेड़छाड़ हुई महिला की जो इज्जत के ऊपर हाथ गिरन लाग रही से फिर मैं कहने लागूंगा तो गणी कह जाऊंगा फिर वो सुनी हम उनका दे बिला उगड़ बैठ कर रोया है पहलवान जी राम राम क्या उन लग रहा बाण बेटिया की इज्जत सुरक्षित को ना वो भी पहलवाना की भाई सर्वजा टू खाप तुरासी का रवा प्रदान भाई इस देश में किसकी इज्जत जानते हो तो इज्जत देंगे किसकी बहू खुद की नहीं वो किसने इज्जत देंगे और रही भाई पहलवाना की इस देश की लड़की है वह कोई जाति पाति की कोई नहीं है और रही जाने वाली बात हमने 13 महीने जान का भी बेरा है नहीं जान का बेरा तू तो हमारा गल रहा है भाई चिंता ना कर जाने वाली सब जाएंगे मैं तो कह करूँ मुखा ये वे मानस हैं बेसक बुढ़े हो रहे हैं पर 12 फुटी भी इतना कुछ जा बिना हाथ लाए तुम्हारी क्या नशारा करती हो के क्या था बिल्कुल 100% कूद जा भाई और तारे भर के भाई सहयोग दे दियो
अमरली मीडिया सारे कौन हम तो तारे सारे तेरा मिले भरोसा होगा तारा पर के लाल हुआ बस हमने चिंता की है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देश के लाल हर देश के लिए काम आना है। भगत सिंह की नीति पे चलने वाले हैं और फिलहाल अंदर की भी जो स्थिति है वो चाल का तुमने जरूर दिखाऊंगा। देख लो जितने भी खाप प्रधान अड़ पहुंचे थे, राजस्थान तक के जो खाप प्रधान है वो अड़ पहुंचे, पूरे हरियाणा तक बल्कि पूरे भारत तक। दलाल खाप चौरासी देख लो, चौधरी भूप सिंह दलाल के जो भूप सिंह दलाल है जो दलाल खाप के प्रतिनिधि वो भी अड़ पहुंचे है। चौधरी सारे खापा चौधरी अड़ पहुंचे अलग अलग तुम देख सको फिलहाल। और एक बार चाल कहीं भी बात कराएंगे और चौधरी यहाँ तक फिलहाल विकास सर नजर आए हैं तो हम बात करांगे के कुछ फैसला रहे और आगे की के कुछ रणनीति बनाई। विकास भाई राम भाई राम राम। फैसला के रहे और क्या आगे की रणनीति है लटकी सागड़ेगा। देखिए आज पूरे देश की खाप पंचायतें और किसान संगठन और सामाजिक संगठन और महिला संगठन यहाँ आए हुए थे 24 का चौतरे पर, और यहाँ सबने एक सर्वसम्मति से फैसला लिया। एक तो 23 तारीख को इंडिया गेट के ऊपर पूरे देश की महिलाएं इकट्ठे होंगे और वहां से कैंडल मार्च करेंगे जंतर मंतर। इस कैंडल मार्च पहले भी कर लिए, पहले भी होंदे आए हैं, ये फायदा देंगी कि मैंने तो लगता नहीं फायदा मिल जाए कैंडल मार्च करे तो। इस सरकार ये कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण हाथी है, जब उन्हें हिलाया करते ना पकड़ के जब भी मुश्किल उठा भाई। कुंभकर्ण के ऊपर भी हाथी वाला मामला भी हमने कर रखा है, वो फैसला भी कर रखा, पूरी बात सुनेगा तो वह बात भी आओगी। कैंडल मार्च है केवल सरकार को जगान खातर, थोड़ा चंदना दिखाने खातर, अगर वो मान जाए 23 तारीख खातर बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो 28 मई को देश की नई संसद का निर्माण पूरा होना है और 28 मई को हमने ये फैसला कराया है। अगर 28 मई तक हमारी बात को नहीं माना गया तो 28 मई को देश की संसद जो बन रही है हम गामा में उसने का आकरा पंचायत कर जिसमें न्याय मिला करें, वो बड़ा पंचायत घर है उसमें भी न्याय मिलना है देश को, और देश की बेटियां अभी तक न्याय मांग रही हैं, इसलिए जंतर मंतर से ज़्यादा दूर नहीं है वो संसद घर, उसमें हम जो है 28 मई को बहुत बड़ी किसान महिला पंचायत कर रहे हैं, महिलाओं के नेतृत्व में महिला महापंचायत कर रहे हैं। अगर सरकार 28 मई तक नहीं मानती है तो हम वहाँ पंचायत करने वाले हैं। किसान कदे पहुँचे ना कदे महिलाएं पहुँचने ना दे, देखिए वो तो सरकार की मर्जी है, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे देश की महिलाएं वहां शामिल होंगी। अगर महिलाओं के साथ कोई किसी प्रकार की जबरदस्ती करी जाती है तो सारी खाप पंचायत सारे किसान संगठन पहले दिल्ली के आंदोलन की तरह हम तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में जो है आप लोग शेयर जरूर करते रहिए और भी जो प्रतिनिधि हम तब एक और बात कराएंगे।